जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्त रस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्त रस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदर शक्ति माँ भगवती से करवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्त रस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला अप्रैल 2024 का महीना जो है आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2024 का महीना। तो सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें, जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो सभी लोग जो है वीडियो में बने रहें और वीडियो के अंत में आज हम बात करने वाले हैं सुंदर सटीक से महत्वपूर्ण उपायों की, जिन उपायों को करके मिथुन राशि के जो जातक हैं वो अप्रैल के महीने को सफलदायक बना सकेंगे। तो सभी लोग वीडियो में बने रहें। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए लव लाइफ के मामले में अप्रैल का महीना जो है वह मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अप्रैल महीने में जो है कई ग्रह जो है वह गोचर होंगे और जिसका लाभ जो है मिथुन राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही साथ जो है अप्रैल महीने के मध्य में मिथुन राशि के जातकों को थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आ सकती हैं। जो मिथुन राशि के जातक हैं वह अप्रैल के महीने का जो मध्य भाग होगा उसमें कुछ दिक्कतों का, कुछ मुश्किलों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। तो विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि इस अप्रैल के महीने जो है आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो अगर आप जो है मिथुन राशि के जातक जो है प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत जो अप्रैल महीने की शुरुआत होगी वह काफी हद तक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बुध और बृहस्पति की दृष्टि जो है पांचवें घर पर पड़ेगी, जिसके कारण जो है आप अपने संचार कौशल का पूरा फायदा जो है उठाएंगे और अपने दिल की बात जो है अपने प्रिय के लिए खोलेंगे, यानी कि अपने दिल की बात अपने प्रिय को आप बोल देंगे, आप उनसे जो है अपनी सारी भावनाएं जो है साझा कर देंगे। जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है वह सब आप अपने प्रिय से साझा करेंगे, जिसका क्या होगा कि उन पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वे जो है आपसे दिल से जो है प्यार करने लगेंगे। लेकिन 23 अप्रैल 2024 से जो है मंगल का दशम भाव में प्रवेश होगा। जो 23 अप्रैल 2024 है तो मंगल का दशम भाव में प्रवेश और पंचम भाव पर जो है उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो प्रेम संबंधों में जो है इस समय कुछ टकराव पैदा हो सकता है, कुछ टकराव पैदा या इस समय जो है उत्पन्न हो सकते हैं। भले ही आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो लेकिन जो है अकारात्मकता बढ़ने और बार बार झगड़े होने की भावना आपके जो है आपके बीच में हो सकती है, यानी कि क्रोध बढ़ना, बार बार विवाद होने की स्थिति इस समय आ सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने रिश्ते को सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए कई चीजों को जो है कई बातों को कई चीजों को आपको नजरअंदाज करना भी सीखना होगा। इससे आप जो है इन समस्याओं से जो है बच सकते हैं, जो समस्याएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। जितने भी शादीशुदा जातक हैं मिथुन राशि के, तो शादीशुदा जातकों की अगर बात करें तो यह अप्रैल का जो महीना होगा इस महीने आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अप्रैल 2024 का महीना बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। महीने की शुरुआत में जो है आपके जीवन साथी को कोई अच्छा फायदा भी मिल सकता है और यह आपके काम भी आ सकता है। यदि आप जो है उनके नाम पर या उनके संयोग से कोई व्यवसाय करते हैं अपने जीवन साथी के नाम से, अपने जीवन साथी के संयोग से, तो यह महीना जो है आपको और भी अधिक लाभ दे सकता है। बहुत लाभ की प्राप्ति आपको इस महीने हो सकती है। आपका सामाजिक जो दायरा है वह भी इस अप्रैल के महीने में बढ़ता हुआ दिख रहा है और आपका जीवन साथी जो है आपका संयोग करता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन साथी का संयोग आपको ऊपर आपके साथ जरूर होगा। इससे जो है आप दोनों का रिश्ता जो है काफी परिपक्व होगा, मजबूत हो जाएगा और आप जो है अपनी जिम्मेदारियों को जो है अच्छे से इस अप्रैल के महीने में निभा पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय की, कि उपाय क्या करें जिससे आप इस अप्रैल के महीने को और भी सफलदायी बना सकें। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं, उपाय के तौर पे इस अप्रैल के महीने में आपको जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए और बुधवार के दिन जो है
किन्नरों को जो है हरे वस्त्र आपको दान करने चाहिए, या हरी जो कुछ हरी वस्तुएं आपको दान करनी है। मंगलवार के दिन जो है आप किसी मंदिर में लाल अनार का दान करें और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। प्रतिदिन अगर हो सके तो विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का भी आपको पाठ करना है। तो अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आप इस अप्रैल के महीने को सुफलदायी बना सकेंगे और आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन जो है आनंदमय रहेगा। तो यह उपाय जरूर करें ताकि इस अप्रैल के महीने को सुफलदायी बनाया जा सके, लाभदायी बनाया जा सके। तो यह उपाय करके इस अप्रैल के महीने को सुंदर बनाएं, आनंददायी बनाएं। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो पहली बार हमसे जुड़े हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय।